हाँ बेटा, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले पहले भी के एग्जांपल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं लेक्चर्स में कि बाय स्पेनिंग ट्री क्या होता है। जैसे ये ग्राफ है, इसका स्पेनिंग ट्री कौन होगा? एक ऐसा सब ग्राफ जो सारे वर्टेक्स कंटेन करेगा और वो खुद ट्री होगा, ठीक है? ये स्पेनिंग ट्री है। अब स्पेनिंग ट्री में मैंने आपको पहले भी वीडियो के जरिए बता चुका हूँ कि जो एज इसमें आ जाती हैं वो ब्रांच कहलाती हैं, जो नहीं आती वो कोर्ड्स कहलाती हैं। अब देखो इसमें कितनी एज नहीं आई, एक और दो, ये दो नहीं आई ना, ये कहलाती हैं आपकी कोर्ड्स, ठीक है? और जो कोर्ड्स का सेट होता है उसी को कहते हैं फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सर्किट्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ये कोर्ड डालूंगा ये सर्किट बना देगा, एक सर्किट बन जाएगा। जैसे ही मैं ये एज डालूंगा ये सर्किट बना देगा। तो जितने सर्किट बनेंगे वो सारा कितने बनेंगे, जितनी कोर्ड डालता जाऊंगा वो सर्किट बनते जाएंगे। तो कितने फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सर्किट होगा? जितनी कोर्ड्स होंगी, ठीक है? ये फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सर्किट्स है। तो बेटा उसके आगे के एग्जांपल आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे बता देना अगर दिक्कत हो तो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, मिनिमल स्पेनिंग ट्री। स्पेनिंग ट्री तो आपको पता ही है, एक ही ट्री के स्पेनिंग ट्री एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? जैसे इसके स्पेनिंग ट्री देखोगे तो वो मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो मिनिमल कौन होगा? अब मिनिमल के लिए तो हमें कम पता होना चाहिए कि भाई मिनिमल का मतलब कम से कम कौन सा होगा। और जब तक आपको पता है, जब इसकी स्पेनिंग ट्री होंगे तो सारों में ही चारों वर्टेक्स आएंगे और तीन तीन एज आएंगी। तो जितने भी स्पेनिंग ट्री बनेंगे सभी में चार वर्टेक्स और तीन तीन एज ही होंगी। अगर इसमें ये ग्राफ वेटेड नहीं होगा, वेट नहीं दे रखे होंगे, तो वो बिल्कुल सारे सेम रहेंगे, कोई मिनिमल नहीं रहेगा, सभी मिनिमल ही रहेंगे। तो मिनिमल की जब बात आती है तो इसका मतलब ग्राफ को पहले वेटेड ग्राफ होना चाहिए। वेटेड ग्राफ कौन सा होता है? जिसमें एजेस को कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं पॉजिटिव, तो वो कहलाता है उनका वेट, ठीक है? अब वेट किसी भी एज का जो डिस्टेंस बिटवीन द वर्टाइसिस दिस एंड दिस, ये तो वेट का मतलब, वेट इसको डिनोट करता है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को, या किसी भी और भी चीज को डिनोट कर सकते हैं, फेयर को डिनोट कर दें, ठीक है? ए वर्टेक्स यू इज नियरेस्ट नेबर ऑफ वी, जैसे ये वर्टेक्स है ए, तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन कौन है? बी है, क्योंकि इसका इससे डिस्टेंस 3 है। तो सी का नियरेस्ट नेबर देखोगे तो बी मिलेगा, डी का नियरेस्ट नेबर देखोगे तो बी है, बी का नियरेस्ट नेबर कौन है? ए और सी दोनों है, क्योंकि यहां से भी 3 है यहां से भी 3 है, तो बी के नियरेस्ट नेबर ए और सी है। अब अगर हम किसी सेट का नियरेस्ट नेबर देखें, जैसे इसमें तो हम किसी एक वर्टेक्स का नियरेस्ट नेबर देख रहे थे। अब आपको ये कहा जाए कि अगर सेट दे दूं वर्टेक्स का, जैसे ए बी और सी दे दूं तीनों सेट, तो इनका नियरेस्ट नेबर कौन होगा? तो सबसे पहले क्या करो, ए का नियरेस्ट नेबर निकालो कौन है? 7। बी का नियरेस्ट नेबर निकालो कौन है? सी। और सी का नियरेस्ट नेबर कौन है? बी। तो इस पूरे सेट का जो नियरेस्ट नेबर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ते हैं।